आज गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने बेटे को ये गॉड एलिमेंटल सूट लेकर जा रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई से ये सूट टोनी स्टार्क से ख़रीदा है और दोस्तों ये बहुत ही कमाल का सूट है। इसकी डिलीवरी मैं अपने घर पर लेकर जा रहा हूँ। मैं चाहता तो गाइस इस सूट को पहन कर भी जा सकता था, लेकिन मैं अपने बेटे को चाहता हूँ कि मेरा बेटा इस सूट को सबसे पहले पहने, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। अरे बाप रे, सामने कौन खड़ा है? रुक जा फ्रैंकलिन। अरे यार, ये तो रेड हल्क है, ये यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से भाग भी नहीं सकता, नहीं तो मेरे सूट टूर को तोड़ फोड़ देगा ये। चलो जाकर गाइस इससे बात करते हैं, बस कुछ गड़बड़ ना हो जाए आज। हाँ भाई, कैसे हो? बीच में कैसे खड़े हो? अरे ये सूट कहाँ लेकर जा रहा है? जरूर ये आयरन मैन का ही है, सूट को मुझे दे दे। अरे नहीं भाई, असल में ये मेरे बच्चे के लिए गिफ्ट है, मैंने खरीदा है। ओ इतना अमीर हो गया, रुक इस सूट को अभी लेकर जाता हूँ, देख तेरी तो। हा। अरे गाइस कोई बचाओ मुझे, अरे यार ये मेरा सूट छीन रहा है, मैं अपने बेटे के लिए गिफ्ट करने वाला था, नहीं कर पाएगा। अरे गाइस ये मेरा सूट लेके भाग रहा है। गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, नहीं तो मेरे सूट को लेके चला जाएगा। अरे नहीं प्लीज गाइस जल्दी से क्लिक करो लाइक पर और सब्सक्राइब पर। और नहीं करेगा, नहीं बचेगा तेरा सूट, ले जा रहा हूँ मैं। ये सूट मेरा हुआ, बहुत महंगा लगता है। अरे दोस्तों यार मेरा सूट चोरी हो गया। अरे ये क्या, मैं तो सोच रहा था कि मैं गॉड रिच आयरन मैन बनूंगा अपने बच्चे के सामने और अपने बच्चे को भी सूट को पहनवा के उड़वाऊंगा, लेकिन वो मेरा सूट चुरा कर ले गया। काश दोस्तों सूट को मैंने पहन के रखा होता तो आराम से बात बन जाती। मारो इसको, मारो, इसी के पास आयरन मैन का सूट है। अरे बाप रे, अब ये क्यों मार रहे हैं मुझे? ए, आयरन मैन का सूट कहाँ पर है? हमने सुना है तूने नया सूट खरीदा है। अरे यार पूरे शहर को खबर कहाँ से लगी कि मैंने आयरन मैन का सूट खरीदा है? भाई मेरे पास नहीं है, रेड हल्क ले गया वो। ऐसी बात है यार, टाइम वेस्ट कर दिया, और मारो इसको, ये ले टाइम वेस्ट करता है हमारा। अरे कितने बुरे बुरे लोग हैं। गाइस फिलहाल मैं टोनी स्टार्क के पास आया हूँ क्योंकि ये तो गलत नाइंसाफी हुई ना, मेरे सूट की खबर जरूर इसी ने फैलाई होगी कि इसने बेच दिया, उसी की वजह से मेरा सूट चुरा है। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और टोनी स्टार्क से पूछते हैं कि उसी ने फैलाई है खबर, और अगर पहुंचाई फैलाई होगी ना तो गाइस मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा। कहाँ पर है टोनी स्टार्क? टोनी स्टार्क बाहर निकल, तुझे पता भी है मेरे साथ क्या हो गया? अरे कौन जी के जा रहा है ये? अरे और ये है कहाँ पर? तू बाहर निकल रहा है, मैं तुझे अंदर आके खुद मारूं। जल्दी जल्दी ढूंढता हूँ कहाँ है ये। अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आराम से फ्रैंकली, इतना परेशान मत हो, क्या हो गया? अरे तू है कहाँ पहले मुझे देख। अरे ये राम है। अरे यार तू पियानो वियानो बजा रहा है यहाँ पर, तुझे पता है मेरा सूट मेरे बच्चे के पास पहुँचने से पहले चोरी हो गया? ओ लेकिन ये कैसे हो सकता है यार, मतलब मैंने तो बस दो चार लोगों को बताया था कि मैंने जो गॉड एलिमेंटल सूट है फ्रैंकलिन को $3 मिलियन में बेच दिया है बहुत सस्ती रेल में। इसका मतलब तूने ही सबको बताया, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे अरे गुस्सा मत हो, मेरी बात सुन, तू फिलहाल पहले अपने पैसे ले ले वापस, उस सूट को मैं ढूंढ लूंगा, तू जा अपने बच्चे को खुश रख। अरे गाइस यार कैसे खुश रखूँ मेरे बच्चे को, क्या फ़ायदा? चलो कोई नहीं, मैं अपना पैसा वापस लेता हूँ, उन पैसों का यूज़ करके हम एक और नया सूट बना लेंगे। कहाँ पर है ये रहा, यही ये सारा का सारी अटैच ही, मैं अपना पैसा देकर गया था, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। आज के बाद ना टोनी स्टार्क मैं तुझसे कुछ नहीं खरीदूंगा। अरे भाई इतना गुस्सा मत हो, चल यहाँ से भाड़ में। चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं और अपने बच्चे को जाके बताते हैं क्या माजरा हो गया हमारे साथ। मेरा बच्चा डांटे बहुत ही खुश होता अगर मैं उसको एलिमेंटल सूट दिखाता, फाइनली मैं आ गया, लेकिन यार बच्चा है कहाँ पर मेरा? डांटे कहां पर है तू? अरे यार यहां तो है ही नहीं, मैं उसको यहीं तो छोड़ गया था लास्ट टाइम। डांटे अरे एक मिनट इसके अंदर जाकर देखता हूं। डांटे अरे बाप रे गाइस मेरा बच्चा कहां चला गया? मैं तो उसको इसी बस के अंदर छोड़ के गया था छोटी सी के, जिससे कि मैं उसको आके सरप्राइज देता। ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई दोस्तों, नहीं मैं इतने सारे पैसे का क्या करूंगा अगर मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहा। अरे गाइस नहीं, मेरे हिसाब से काम करते हैं, शहरवासियों से जाके पूछते हैं मेरे बेटे को किसी ने देखा हो, क्या पता वो एक्साइटमेंट में मुझे ढूंढने निकल गया हो। चलो एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं और जाकर कोई ना कोई तो जरूर बता ही देगा कि मेरा बेटा कहां पर है। जैसे ही गाइस मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा, इन पैसों का यूज करके मैं उसके साथ आयरन मैन का एक नया सूट बनाऊंगा और मैं बन जाऊंगा गॉड रिच आयरन मैन। लेकिन गाइस मैं बनाऊंगा कैसे, मेरे पास तो कोई टेक्नोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है। हे भाई मेरी बात सुनो, आप बजा दिया कुत्ता काट लीजिए। अरे कुत्ता से डर नहीं लगता हमको, ये बताओ। अरे तो गया यार, एक मिनट कहां पर है? ए, हेलो हेलो सर, मेरी बात सुनिए। क्या बात है भैया, जल्दी बताओ, दूध की बोतल दीजिए क्या? ये दूध की बोतल नहीं है, पता नहीं क्या पी रहे हो। हां तो निकलो यहां से, धमाका मत करो। अरे मेरे असल में छोटा सा बच्चा है 12 साल का, जिसका नाम डांटे, किसी ने देखा हो तो बता दो। हाँ भैया सुत्ता उत्ता खेलनी होता मैं पास आओ कभी, ये सब खुद खबर नहीं है हमारे पास। यार कितनी बिगड़े बेकार जनरेशन है गाइस लॉस सेंटोस की, कोई मुझे बता ही नहीं रहा मेरा बेटा कहाँ पर है, बता दो। तो जा रहा दिमाग खराब मत कर भाग यहाँ से। अरे जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे बचाओ पापा जी, मुझे बचाओ प्लीज। अरे एक मिनट गाइस, ये तो मेरे डांटे की आवाज है, प्लीज मुझे बचा दो, ये मुझे मार देगा। हा हा हा, मार दूंगा। अरे गाइस एक मिनट, ये तो रेड हल्क की आवाज आ रही है, जरूर उसके पास मेरा बेटा होगा, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं,
यहीं कहीं से आवाज आ रही थी, कहां पर गया डांटे? रुक, मैं आ रहा हूं, मैं तुझे बचा लूंगा, चिंता मत कर, मेरे पास पैसे भी हैं, हम गॉड रिच आयमैन बन कर रहेंगे। अरे गाइस एक मिनट, ये रहा, अरे तू कहां से आ गया? अरे बाप रे गाइस, ये तो गॉड रेड हल्क बन गया। सही कहा, वो पिछला वाला जो सूट था बाकी कमाल का था, इसी वजह से मैंने उसकी पावर्स यूज करके मैं गॉड रेड आयरन मैन बन गया हूँ। गॉड रेड आयरन मैन? लेकिन तू तो गॉड रेड हल्क लग रहा है। मैं लग भी सक रहा हूँ लेकिन हूँ इतना खतरनाक। अरे पापा जी प्लीज मुझे बचाइए, आपके पास आयरन मैन का सूट है तो मारिए इसको। अरे बच्चे नहीं है मेरे पास आयरन मैन का सूट, असल में इसने चुरा लिया था। गाइस जल्दी जल्दी यहाँ से जाता हूँ, मैं देख लूंगा, तुझे जल्दी मारूंगा, चल तेरे बस की रहिया। अरे गाइस मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी तरह से आयरन मैन बनना होगा, उसके लिए मुझे आयरन मैन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तो यार कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे मैं सूट बना लूँ। पैसे तो हैं लेकिन आयरन मैन ही बना सकता है आयरन मैन वाला सूट, इसलिए चलो उसके पास चलते हैं। लेकिन गाइस मैं तो उसको गुस्सा करके आ गया था, उसको सुना कर आ गया था, कहीं वो सच में मुझे भगा ना दे। अरे क्या हुआ फ्रैंकलिन, अपने बेटे को बचा लिया तुमने? तुझे कैसे पता कि मेरा बेटा किडनैप हुआ है? असल में सारी खबर रहती है लॉस सेंटोस की मुझ पर, पहले ये बता मेरे पास क्यों आया है, कोई मतलब तो नहीं है? अरे भाई असल में वो ज़रूरत थी, मुझे आयरन मैन का सूट बनवाना है। अच्छा बेटा आ गया मेरे पास, हाँ पिछली बार तो बड़ा बोल रहा था कि मुझसे आज के बाद सूट नहीं लेगा, बनवाएगा नहीं, चल यहाँ से बाहर में जा, अब निकल यहाँ से फ्रैंकलिन। अरे भाई मेरी बात मान ले, नहीं मानूंगा, हट यहाँ से, तूने समझ क्या रखा है मुझे? जब मन करे तू मुझे बेइज्जत कर आएगा, मैंने तुझे पैसे दिए थे ना तेरे वापस, जबकि मैंने कोई गारंटी भी नहीं ली थी सूट की, तू ही इतना बेवकूफ है। जब मैंने तुझे इतना खतरनाक सूट दिया था तो तुझे पहन कर जाना चाहिए था ना। अरे हाँ मतलब मानता हूँ मेरी गलती है, प्लीज माफ कर दे, मैं अपने बच्चे को बस गिफ्ट देना चाहता था। अरे गाइस कमेंट में यस लिख दो जिससे मेरी मदद कर दे, लिख दो ना। चल ठीक है, अगर ये लोग लिखेंगे कमेंट में यस तो तेरी मदद करूंगा, नहीं तो मारता रहूंगा तुझे जब तक ये ले। अरे गाइस आप लोगों ने सही से यस नहीं लिखा कमेंट में, देखिए मेरी मदद नहीं कर रहा। चल फ्रैंकलिन निकल यहाँ से, कोई नहीं चाहता तेरी मदद हो। अरे दोस्तों यार ये बहुत ही बुरा है, कोई बात नहीं है तुझे तो देख लूंगा मैं टोनी स्टार्क, चलो यहाँ से अब जल्द से जल्द चलते हैं हम। गाइज असल में मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें हम आयरन मैन का सूट बना सकते हैं, लेकिन गाइज उसके लिए पूरे मुझे $5 मिलियन चाहिए, मेरे पास तो सिर्फ $3 मिलियन हैं, इसलिए मैंने एक नया बिजनेस खोला है, जल्द से जल्द सारे हैट्स बेच दूं। ए गाइज हैट्स ले लो, $100 पर हैट है और ये बहुत कमाल का हैट है, आपको इसमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, कभी गर्मी नहीं लगेगी, इवन आप इसका पंखड़ा उड़ा कर उड़ भी सकते हो। अरे भैया कैसा हैट है, इसमें उड़ सकते हैं क्या? डोरेमोन वाली टोपी दे रहे हो क्या? टोपी मत पहना दे नाम को सच में। अरे भाई सच बोल रहा हूँ, एक बार हेड को पहन कर देखो, आप सच में उड़ जाओगे इसको पहनकर हवा में। अच्छा ऐसी बात है, कितने रुपए का? कम लगा लो। नहीं भाई एक हेड के $100, चाहो तो आप बुरे ले जा सकते हो। अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा, काम करो 5 हेड दे दो। क्या बात है गाइस, इसने 5 की कहा, बंदे ने पूरे 10 हेड ले लिए, मजा ही आ गया, पूरे $1,000 कमा लिए मैंने एक ही बार में। इसी तरह से मुझे और भी पैसे कमाने होंगे तब जाके $5 मिलियन का मैं सूट बनाऊंगा। जल्दी जल्दी चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली 3-4 महीने के बाद मैंने $5 मिलियन कंप्लीट कर लिए, वैसे कुछ हैट और बचे हैं लेकिन कोई नहीं, इनको अब बेच कर क्या करूंगा, मुझे ज़रूरत थी मैंने कर लिया, अब जल्द से जल्द इसका हम उस बुक को पढ़कर अपना एक कमाल का सूट बनाएंगे आयरन मैन का, उसके बाद अपने बच्चे को बचाने जाऊंगा और उसको सरप्राइज करूंगा बहुत ही ज़्यादा कमाल के सूट के साथ और हम गॉड रिच आयरन मैन बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं अपने गैराज में छुपते छुपाते आयरन मैन का सूट बना रहा हूँ, क्योंकि अगर टोनी स्टार्क को पता चला कि मैं उसका सूट बना रहा हूँ वो भी डुप्लीकेट तो बहुत बुरा मारेगा मुझे, इसलिए दोस्तों जल्दी जल्दी हमारा सूट बस रेडी हो जाए, मेरे हिसाब से रेडी हो भी चुका है। चलो दोस्तों अब मैं इसको पहनने जा रहा हूँ, अपनी पहली फ्लाइट टेस्ट करेंगे, काश सक्सेसफुल हो जाए क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे अपने बच्चे को भी बचाना है। क्या बात है मैंने इसको पहन लिया, चलो उड़ते हैं आराम से। क्या बात है दोस्तों मैंने अपना सूट पहन लिया, वाह मजा ही आ गया, अब चलो सीधा रेड हल्क के पास चलते हैं और जाकर उससे अपने बच्चे को बचाते हैं। लेकिन ये रहा, अरे तू इतना टाइम में कैसे आया फ्रैंकलिन? तुझे कैसे पता मैं फ्रैंकलिन हूँ? इतना फटीचर सूट तुझ पे हो सकता है? अरे पापा जी 3-4 महीने से ये मुझसे बहुत काम करवा रहा है, स्कूल भी नहीं जाने दे रहा, ऊपर से पता नहीं कैसे उल्टे सीधे काम करवा रहा है, खाना भी सिर्फ एक बार देता है खाने के लिए। मैं देख लूंगा तुझे रेड हल्क, अभी बताता हूँ तुझे तूने मेरे बच्चे को इतना टॉर्चर किया। मजा आएगा, आजा लड़ते हैं। ये रहे तेरी तो ये गॉड रेड हल्क बेशक हो गाइस, लेकिन मैं इसको हरा दूंगा क्योंकि मुझे अपने बच्चे को जो बचाना है ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, रुक एक मिनट। अरे बाप रे तो बहुत खतरनाक है ये रहे तेरी तो ये रहे। हाँ तो मुझे नादा नहीं मार पाएगा, मैं तुझे मारूंगा पूरी तरह। एक मिनट वो रहा, अरे ये शायद टेलीपोर्ट भी करता है, मेरी स्पीड इतनी है कि मैं तुझे दिखूंगा भी ना। ये ले तू भी ये ले, अब पता कैसा लगा? हाँ ये ले, और ये ले मोटा कहीं का, एक मिनट कहाँ गया ये? अरे पकड़, अरे नहीं ये ले, क्या ही लगी? और बलिया बस बस और मानता हूँ मैं। ये देखा गाइस फाइनली
मैंने इसको पूरी तरह से तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया। मेरे हिसाब से रेडा कुछ टाइम के लिए बेहोश रहेगा। चलो अपने बच्चे को फाइंड करने चलते हैं जल्दी से और उसको ले जाकर हम एक कमाल का घर खरीदेंगे और उसके बाद हम अपने सूट को भी तो अपग्रेड करेंगे। चलो बेटा जल्दी, कहाँ गया डांटे, कहाँ पर है तू? जी पापा जी यही हूँ मैं। अरे पापा जी ये वाला सूट तो बड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, मतलब इस पे कोई कलर भी नहीं है, मोटा सा है। क्या आपने रेडल को कैसे हरा दिया? बच्चे मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, चिंता मत कर, फिलहाल मेरी पीठ पर बैठ, मैं तुझे एक अपने अपने नए बंगले में लेके जाऊंगा। अच्छा जी ऐसे कितने पैसे आ गए आपके पास? बच्चे मैंने बहुत बड़े बिजनेस किए और फाइनली मैंने खुद से सूट बनाया। क्या कह रहे हैं पापा जी, आपने खुद से बनाया? हाँ मेरे बच्चे मैंने खुद बनाया, जल्दी मेरे पास आओ। जी पापा जी चलते हैं जल्दी से। तो गाइस अब मैं अपने बच्चे को बंगले पर लेकर जा रहा हूँ, तो ये देख हमारा बंगला और साथ साथ में सूट बन रहा है। पापा जी आप इसको क्या नाम देंगे? हम इसको आयरन गोल्ड गॉड हल्क देंगे। अरे पापा जी लेकिन हल्क क्यों? असल में हल्क से मेरा पुराना रिश्ता है, इसलिए मैं इस आयरन मैन का नाम हल्क रख रहा हूँ। ये तो बड़ा अजीब सा नाम है, ये देख बन गया ना पापा जी, बड़ा कमाल का सूट है। चलो गाइस मैंने फाइनली गोल्ड टाइप का आयरन मैन का सूट बना लिया, जिसको आयरन गोल्ड हल्क बोलते हैं। असल में इसके पास ड्यूरेबिलिटी हल्क जैसी है, साथ साथ में ये सूट खराब होगा तो अपने आप को पूरी तरह से रिपेयर कर सकता है। अगर गाइस आप इस सूट की पावर देखना चाहते हैं और फाइट, तो कमेंट में पार्ट टू जरूर लिखना। और हाँ सामने जो स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रहा है ना वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अरे पापा जी मैं सूट को उड़कर देखूं क्या? हाँ बच्चे पहन ले इसको, उड़ जा।